नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum. Welcome to Nayi Subha Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. मेरा नाम है सबा गजाली और आज का हमारा लेसन है राइटिंग अ पैराग्राफ। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उस हवाले से मेन पॉइंट्स कहते हैं जो कि पैराग्राफ की बॉडी कहलाते हैं, और फिर उसको कंक्लूड करते हैं। जब हम बड़ा मजमून लिखते हैं तो उसमें 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग पैराग्राफ्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, बाकी 1, 2 या 3 हमारे पास बॉडी पैराग्राफ होते हैं, और सबसे आखिर में हमारे पास कंक्लूजन या एंड पैराग्राफ होता है। तो जब हम शॉर्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, जैसे कि हम अगर अपने बारे में माई सेल्फ पे ऐसे के बजाय हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि हम कहाँ पैदा हुए, हमने किस तरह से तालीम हासिल की, इस तरह से हम उसको कंक्लूड करेंगे कि हमारा प्रेजेंट उसमें फिर रिफ्लेक्ट होगा और एक कंक्लूडिंग नोट आएगा जो कि उस पैराग्राफ को सपोर्ट करेगा और जो कि इसका एंड नोट कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं किसी बुक के हवाले से बात करूं तो मैं ये बताऊंगी कि दिस बुक इज़ प्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर इन द ईयर, जो भी उसका ईयर होगा, पब्लिश्ड बाय, प्रिंटेड बाय, उसका जो भी इम्पॉर्टेंट फ्रंट मैटर है वो सारा डिफाइन करने के बाद फिर मैं उसका एक ब्रीफ सा रिव्यू लिखूंगी कि इन दिस बुक शेक्सपियर टॉक्स अबाउट लाइफ एंड लाइफ रूल्स। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर लाइफ और लाइफ रूल्स पे अगर शेक्सपियर ने कोई बुक लिखी है या फिर कोई नॉवल लिखा है तो हम उसका मेन आइडिया इसमें बताएंगे, फिर हम उसमें एक मोरल डाल देंगे एंड में जो कि ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हमें इस बुक से क्या सीखने को मिलता है, जैसे कि दिस बुक गिव्स द लेसन ऑफ करेज, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से करके हम एक शॉर्ट पैराग्राफ तरतीब दे सकते हैं। आप भी इसको प्रैक्टिस के ज़रिए से सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तहरीरों को दिलचस्प और मौसर बना सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।